मैं हूँ काशी, मैं हूँ रकमा और आज हम अपने बाजी राव दैट इज करण का बर्थडे है तो हम उनको विश करने वाले हैं, सरप्राइज दे रहे हैं है, तो चलो साथ में चलो। नो दैट वी हैव केक फॉर हिम। ब्रेकअप सॉन्ग देख रहे हैं, चलो गाना भी लगा दो। सीरियस ही हो रहा है यार, एक मिनट। ये थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। चलो छुरी काट लो। अगर बहुत सारे जन्मदिन यहीं पे बनाए हैं, बस मैं यही चाहता हूं। वेयर इज चिम्मा? चिम्मा नहीं है क्या? मेरा भाई किधर है? भाई किधर है? ये हैप्पी बर्थडे टू यू। वन मोर बाजी की फूंक में दम नहीं है। नहीं है, बाजी की फूंक में दम नहीं है। नहीं है। चलो किससे काटेंगे? अरे फिर से। नहीं। आपने लाया? आपने? चम्मच से काट लो। चम्मच है, बस स्पून। चम्मच है। चम्मच से काटेंगे। सूख गया बेचारा युद्ध कर करके। काफ़ी दिशाओं से मुझे एक स्पेशल जेस्चर मिल रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं ऑन स्क्रीन की बात करूँ तो वहाँ पे उसी दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है जिस दिन मुझे पेशवा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं पेशवा बन रहा हूँ स्क्रीन पर, और ऑफ स्क्रीन मेरा बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं। तो ये खुशी है यहाँ पर, यहाँ पर जश्न घर पर भी हो रहा है पेशवा बनने का, और ऑफ स्क्रीन जब हम ऐसे ही बैठे हैं तो यहाँ पर जश्न मेरे बर्थडे। जैसे कि आप केक लेकर आए, तो ये बहुत ही एक क्यूट सा जेस्चर था आप लोगों की तरफ से, टेली रिपोर्टर्स की तरफ से। एट एनी कॉस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं काम को अवॉइड करना चाहूँगा। इफ इट्स माई बर्थडे, आई वुड लव टू वर्क। अगर मुझे कहीं काम नहीं भी रहेगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं से काम ढूंढ लूँगा, बिकॉज दैट्स आई वुड लव टू वर्क। बट एट द सेम टाइम, वंस आई एम डन विथ माई वर्क, आई मेक श्योर दैट आई गिव माई टाइम टू माई फैमिली। एग्जैक्टली यस, वंस जैसे ही काम कम्प्लीट हो जाएगा, मैं अपने परिवार के साथ बाहर चला जाऊँगा। एनी स्पेशल विश? विश मेरी ऐसी कोई टारगेट ओरिएंटेड तो नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने परिवार को बस खुश रख पाऊँ और उनको सारी खुशियाँ दूँ, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहे, बस यही है मेरी एक विश, और बस वही पूरी करना चाहूँगा मैं। मेरे परिवार ने मेरे हर बर्थडे काफ़ी बहुत धूमधाम से मनाए हैं। माई वाइफ शी ऑलवेज मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी बर्थडे ऑफ माइन इट्स सेलिब्रेट इन सच अ मैनर कि मैं उसे कभी कभी भूल नहीं पाऊँगा। इनफैक्ट जब भी मेरा बर्थडे आता है तो मैं पिछले बर्थडे को याद करता हूँ कि किस तरह से मेरी वाइफ ने उसे सेलिब्रेट किया था। कुछ कहीं ना कहीं से कोई नए तोहफे या फिर कोई एक नया इरादा होता है सेलिब्रेशन का, जो हमेशा मुझे याद रहा है। एंड आई थिंक सो, ऐसा कोई स्पेसिफिक ईयर तो नहीं है, बट जब से मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी में आई, ईच एंड एवरी बर्थडे ऑफ माइन इज मेमोरेबल। अगर मुझे पार्टी थ्रो करना होगा तो आई वुड प्रेफर अ हॉरर थीम। यू नो आई एम अ बिग हॉरर फैन, टू बी ऑनेस्ट। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और वहाँ पे हॉरर एकदम थीम आ रही है, बट दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक टू बी। या आई थिंक अबाउट इट, या विच इज़ वेरी प्रेशियस फॉर मी। इट्स नॉट द सी दिस आर नॉट आई थिंक सो, कोई गिफ्ट्स ऐसे नहीं होते जो प्रेशियस बन जाते हैं एक इंसान के लिए। वो जो जेस्चर होता है, वो जो इरादा होता है बर्थडे सेलिब्रेशन का, अगर कोई कहीं दूर से भी आपके लिए आया हो, चाहे वो गिफ्ट लेकर ना आया हो, बट एक बर्थडे आपको एक कॉल आ जाता है एक ऐसे इंसान का जिसे आप याद कर रहे हो, या फिर उसने इतना एफर्ट लिया मेरे लिए कि भाई वो मेरे साथ उसने थोड़ा वक्त बिताया मेरे साथ, वही मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस है। सो इट्स नॉट अ मटेरियल चीज़ें जो होती है, गिफ्ट्स होता है वो तो चलो है ही अपनी जगह पर, बट व्हाट मोर मैटर्स टू मी कि इनका इरादा जो था वो मुझे खुश करने का था, वो ज़्यादा मैटर करता है। जो आज तक हर किसी ने मुझे, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने, यहाँ पे जो मेरे को एक्टर्स है, ये सब ने मुझे दिया है। तो ऑल दोज थिंग्स आर प्रेशियस फॉर मी। फाइव नोन फैक्ट्स फाइव ओके, और अननोन फैक्ट्स जो
मुझे पता नहीं कि ये उनको पता है या नहीं, अगर अगर मैं कहना चाहूँगा तो भाई अननोन फैक्ट्स है कि मैं बहुत बहुत फूडी हूँ। ये जो केक यहाँ पे रखी है मैं इसे यहाँ से भगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं भागी तो मैं खा लूँगा और मुझे प्रॉब्लम होगी। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं इसको आप यू नो यू नीड टू टेल मी एक्चुअली, कि मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको याद करने के लिए, क्योंकि 5 नोन और 5 अननोन फैक्ट्स मुझे बतानी है। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। या फ्रॉम फैन, मेरे जो फैंस है राइट फ्रॉम द डे आई बीन ऑन स्क्रीन, जब मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की महाभारत से, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट वो कोई ना कोई जो GIF फॉर्मेट होता है उसमें कोई ना कोई ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते रहते हैं मुझे। तो ये सारे ग्रीटिंग कार्ड्स जो है मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आते रहते हैं। कहीं ना कहीं से कोई छोटी सी बच्ची जो है, मुझे याद है कि जब मैं सिया के नाम शो कर रहा था, लक्ष्मण का किरदार निभा रहा था, उसमें तो एक मंदिर का सिक्वेंस था जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने आकर मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड, जो कार्ड होता है उस पर अपने अपनी जो विशेज़ है वो उस ग्रीटिंग कार्ड पे खुद ने लिख कर मुझे दी थी और फोटो खिंचवाया था मुझसे। एंड देट वॉज अ वेरी गुड मेमोरेबल डे फॉर मी आई थिंक। सो वो काफ़ी स्वीट लगा था मुझे। ऑनेस्टली ऐसा कुछ मैं किसी फैन को ऐसा कोई क्रेज़ी या फिर ऐसा समझता नहीं हूँ। ऑल ऑफ देम आर वेरी स्वीट टू मी एंड मैं इनफैक्ट उनके लिए बहुत क्रेज़ी हूँ। तो अगर आप मुझे पूछोगी तो मैं जितने मेरे लिए मेरे फैंस मेरे लिए क्रेज़ी, उससे ज़्यादा मैं उनके लिए क्रेज़ी हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई क्रेज़ीनेस मैं उसको अडेप्ट कर पाऊँगा। या सुपर हीरो, ओके, मैं ऑलरेडी एक सुपर बाजीराव का किरदार तो निभा रहा हूँ, आई थिंक सो ही वॉज अ सुपर हीरो ऑलरेडी। लेकिन अगर आप मुझे इफ़ इन केस अगर कुछ ऐसा कुछ ऐसी कोई ताकत मुझे दी जाए जिससे मैं अपने सारे विशेष सारे इरादे पूरे कर सकूँ, सारी इच्छाएं पूरी कर सकूँ, तो मैं उड़ना चाहूँगा। मुझे कुछ कहीं से ऐसी कोई ताकत मिल जाए जिससे मैं उड़ पाऊँ, जैसे पंछियाँ उड़ते, जैसे एक प्लेन उड़ता है। तो आई थिंक सो आई कैन सी द वर्ल्ड, आई कैन जस्ट गो अक्रॉस द वर्ल्ड, आई कैन सी द वर्ल्ड, आई थिंक सो दैट्स द थिंग। इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर। सी मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप ये जो स्वीट जेस्चर्स जो होते हैं वही याद रहते हैं। एंड टेली रिपोर्टर हैज़ डन दिस फॉर मी। सो ये चीज़ जो है ये हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहेगी, हमेशा याद रखूँगा मैं इसे। और जब भी आगे मुझे पूछा जाएगा तो मैं इसे दोहराऊँगा एक और बार सबके सामने कि भाई टेली रिपोर्टर ने ऐसा स्वीट सजेस्टर मुझे दिया था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।